हेलो फ्रेंड, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट टाइम पे हम पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में बात कर रहे थे और आज हम बात करेंगे उन तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास की कि इन तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कैसे भरते हैं कोर्स में। ठीक है, तो आते हैं हमारे पास में, हम बात करेंगे पी ब्लॉक में सबसे पहले वर्ग 13 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना। ठीक है, अब ये जो वर्ग 13 है इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट थर्ड बी भी बोलते हैं, ये इसको बोरोन परिवार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोरोन परिवार, बोरोन परिवार के तत्व। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा NF2NP1 और यहां पर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारे पास में कितने होंगे प्यारे बच्चों? वो हो जाएंगे हमारे पास में 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इनमें कौन कौन से तत्व आते हैं। तो यहां पर आएगा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये हमारे पास में तत्व आ जाएंगे। इसको लिख सकते हैं बैंगन आलू गाजर इन थैला। इसका परमाणु क्रमांक 5 होता है, इसका होता है 13, इसका हो जाएगा आपके पास में 31, इसका हो जाएगा आपके पास में 49 और इसका हो जाएगा 81। ठीक है, अब इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास भरते हैं हम लोग। कैसे भरेंगे देखते हैं, वही ट्रिक लगानी है हमें। 1s2 2s2 2p1। तो देखिए बाह्यतम कोष एन, जिसमें एन की संख्या क्या है? ज्यादा है, सबसे ज्यादा हो। अब देखो यहाँ पर एन 2 है, यहाँ पर कितना है? 2। इन दोनों में समान है तो इन दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 1 3। इनको हम क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की। क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। तो देखिएगा ये हो गया। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? पी में जा रहा है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर पी उपकोष में जाता है तो वो तत्व किस कहलाएंगे? पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। अब बात करते हैं गैलियम, इसको लिखते हैं 1s2 2s2 2p6। ये जो हमारे पास में होंगे ये किसका हो जाएगा? गैलियम का। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास, यहाँ पर देखो 4 6 10 हो गए, 10 2 12 12 6 18 18 10 28 2 3 31 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले की, IL की बात करते हैं। इसका कैसे भरोगे? ये हो जाएगा आपके पास में बच्चों 49 नंबर पर जो परमाणु क्रमांक जाता है इंडियम, उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा। हम इलेक्ट्रॉन को गिन भी सकते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन को गिनना स्टार्ट करते हैं, कितने हैं? 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 कितने होते हैं? 18 होते हैं। 18 में 10 को ऐड कर दो 28, ये 30, ये 36, ये 46, 2 48, ये 49। हमें चाहिए कितना था? 49 चाहिए था। ठीक है, अब बात करते हैं 81 81 नंबर पर जो आ रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10। उसके बाद क्या हो जाएगा? 5 4d10 के बाद यहाँ पर 4f14 भी आएगा, क्योंकि अब इसके बीच में कौन आ जाएंगे? एफ ब्लॉक के तत्व आ जाएंगे। कौन सा आ जाएगा? 4f14 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे 5s2 5p6 5d10 6s2 6s1। ठीक है, तो गिनते हैं 2 2 4 4 6 10, ये 12, ये 18, ये 28, ये 30, ये 36, ये 46 और ये कितने हो गए आपके पास में? 60, ये 62, ये 68, ये 78 और ये कितने हो गए? 80, 80 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखना बाह्यतम जो कोष है, ये देखो यहाँ पर एन की संख्या सबसे ज्यादा है, यहाँ पर 2 1 है, यहाँ पर कितना है? 3 3, यहाँ पर कितना आपके पास में? 4 4, यहाँ पर कितना है? 5 5, यहाँ पर कितना आपके पास में? 6 6 है।
तो भायतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, भायतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब यहाँ पर भायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है देखना, दो और एक तीन है, यहाँ भी कितने दिए हैं तीन, यहाँ भी कितने प्यारे बच्चों तीन है, यहाँ भी कितने हैं तीन है, यहाँ भी कितने हैं तीन है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपके पास में तीन होते हैं। वापिस समझते हैं, जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, एन एच टू एन पी वन से लेकर कितना होता है सिक्स होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक में वर्ग 13 की बात करते हैं, इसको थर्ड भी कहते हैं या फिर बोरोन परिवार के तत्व भी कहा जाता है। इनका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो क्या होगा, एन एच टू एन पी वन, मतलब पी में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद में जो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे तीन होंगे, मतलब इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो मैक्सिमम तीन बंद बना सकते हैं। कितने बंद बना सकते हैं, मैक्सिमम तीन बंद बना सकते हैं प्यारे बच्चों। तो बाकी हम बात करेंगे बच्चों अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।